हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं अमरूद से रिलेटेड। बच्चे को अमरूद कब और कैसे खिलाएं? बच्चों के लिए सबसे अच्छा और फर्स्ट बेबी फूड माना जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बेबी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायक होते हैं, साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमरूद एक मीठा और स्वादिष्ट फल है और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये बच्चों की डाइजेशन के लिए कितना अच्छा है? और नींबू संतरे के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अमरूद खिलाएं। इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बच्चों के साथ साथ प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी के साथ साथ फॉलिक एसिड भी होता है। ये बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अमरूद को आग में भूनकर खाने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, गांव में आज भी इस नुस्खे का लोग इस्तेमाल करते हैं। एक दिन में 2 से 3 बार भुना अमरूद खाने से काफी आराम मिलेगा। बच्चों को 10 महीने के बाद से अमरूद खाने को देना चाहिए, मतलब अमरूद की प्यूरी आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि प्यूरी बनाते समय अमरूद के बीज निकाल दें। बच्चों को हमेशा पका हुआ अमरूद ही खाने को दें। किसी भी चीज़ को खाने का फायदा हमें तभी मिलेगा जब हम उसे सीमित मात्रा में खाएंगे। बस इतना याद रखिए और मज़े से अमरूद अपने बच्चे को खिलाइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।